तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि लगभग 7-8 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन फिर से आज एक नया वीडियो दे रहा हूं। तो पुराना न्यू अपडेट मिलाकर टोटल वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारा न्यू अपडेट के बारे में भी पता चलेगा। तो पहला अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बगान के न्यू एंटिटी को लेकर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि रॉयल कृष्णा कंटिन्यू करने वाला है एटीके मोहन बगान टीम के साथ, जो कि हमें मरकस ने बताया था। लेकिन अब रॉयल कृष्णा ने खुद ही ऑफिशियल इस बात को रिवील कर दिया है कि वो इंडिया वापस आ रहा है। एकदम 100% कंफर्म है एटीके मोहन बगान न्यू एंटिटी के साथ ही एक और साल रॉयल कृष्णा कंटिन्यू करेगा। उनको कोलकाता का प्यार बहुत ही अच्छा लग गया है, जिसके ही चलते उन्होंने मुंबई सिटी एफसी के बड़े ऑफर को ठुकरा कर एटीके मोहन बगान के साथ ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन शुक्र है रॉयल कृष्णा एटीके के न्यू एंटिटी के साथ ही कंटिन्यू करेगा। और एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है एटीके मोहन बगान के फैनों के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि आईएसएल के फास्ट दो सीजन में रोमियो फर्नांडेज एफसी गोवा की तरफ से खेलता था, और उस वक्त उनका जो खेल था भाई बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया था एफसी गोवा की तरफ से। लेकिन उसके बाद से ही 2017 के बाद रोमियो फर्नांडेज का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन चला गया था। दिल्ली डायनामोज के साथ कंटिन्यू किया, उसके बाद ओडिशा एफसी के साथ जुड़ा हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट अब उनका एंड हो चुका है। एफसी गोवा का हेड कोच उनको फिर से एक मौका दे रहा है, प्री सीजन होगा, वहाँ पर अगर रोमियो फर्नांडेज कोच को इम्प्रेस कर पाया तो शायद एफसी गोवा के साथ वो फिर से कंटिन्यू करेगा, एफसी गोवा में फिर से अपना वापसी कर लेगा। लेकिन प्री सीजन में इम्प्रेस करना पड़ेगा जुआन फर्नांडो, जो कि एफसी गोवा का हेड कोच है उनको। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है प्री सीजन में, उसके बाद जब नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। तो आपको पता होगा कि केरला ब्लास्टर एफसी अपना टीम पूरी तरीके से बदल रहा है, बहुत सारा विदेशी खिलाड़ी को वो छोड़ रहा है। सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ी अभी कंफर्म दिखाई दे रहा है, एक है भाई ओगबेचे, उसके बाद सिडोंचा और तीसरा है पॉपलेटनिक। तो भाई इन तीनों के अलावा बाकी जितना भी विदेशी खिलाड़ी मौजूद था केरला ब्लास्टर एफसी के टीम में लास्ट सीजन, वो सभी निकल रहा है। और उनमें से ही एक खिलाड़ी है राफेल मेसी बावली, जिनका जोड़ी ओगबेचे के साथ बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था बाकी टीमों के लिए। लेकिन अब राफेल मेसी बावली को शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का ऑफर नहीं भेजा है केरला ब्लास्टर एफसी। बहुत दिन पहले एक अपडेट आया था, लेकिन अब शायद दिखाई दे रहा है कि राफेल मेसी बावली केरला ब्लास्टर एफसी से निकल रहा है। और उसको ही देखते हुए भाई ओडिशा एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है मेसी बावली के ऊपर, लेकिन अभी तक कितना दूर बात पहुँचा है वो क्लियर तरीके से पता नहीं चल रहा है। लेकिन ओडिशा एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है मेसी बावली के ऊपर। आगे चलकर अगर इसके बारे में कुछ नया प्रोग्रेशन हमें दिखाई देता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी के फॉर्मर हेड कोच जॉर्ज कोस्टा को लेकर। आपको पता है कि सीजन अंत होने के बाद ही मुंबई सिटी एफसी ने उनको सेलेक्ट कर दिया था, और अब भाई जॉर्ज कोस्टा के पास आईएसएल से 2 क्लब का ऑफर गया है, ये रिफिल कर दिया है उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में। तो अभी तक अगर देखा जाए 3 क्लब के पास हेड कोच मौजूद नहीं है। पहला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, उसके बाद है जमशेदपुर एफसी और तीसरा है चेन्नई एफसी। तो इन तीनों में से शायद किसी 2 टीम ने उनको ऑफर भेजा है, लेकिन जॉर्ज कोस्टा ने कहा है कि मैं सिर्फ एक ही क्लब के साथ अभी कांटेक्ट में हूँ और उनका प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा रहता है मेरे लिए तो मैं ज़रूर इंडिया में फिर से कमबैक कर लूँगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन से टीम में वो आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जमशेदपुर एफसी या चेन्नई एफसी, इन दोनों में से कोई एक टीम होगा, लेकिन ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है कि चेन्नई का हो सकता है। आप ज़रूर अपना राय कमेंट में बताना। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से। तो हैदराबाद एफसी के साथ एक विदेशी खिलाड़ी का डील डन हो चुका है, ऐसा हमें पता चल रहा है, जिनका नाम है जोएल चियांसे। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, उम्र है 30 साल, 30 इयर्स ओल्ड, एज ए स्ट्राइकर वो खेलता है। और जोएल के अगर करियर की बात किया जाए तो ज़्यादातर इन्होंने ए लीग और न्यूजीलैंड के प्रीमियर लीग में ही परफॉर्मेंस किया है। सिडनी एफसी की तरफ से इन्होंने खेला है, उसके बाद सिडनी यूनाइटेड की तरफ से खेला है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी की तरफ से भी इन्होंने खेल लिया है। और इनका लास्ट क्लब था पार्थ ग्लोरी, जो कि ए लीग का क्लब है, और उसके बाद ही वो हैदराबाद एफसी में शिफ्ट हो रहा है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्बर्ट रोका एक एशियन खिलाड़ी को ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है, जो कि हमें मरकस ने रिवील करके बताया था।
और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से जोएल चेंस बिलोंग करता है, तो शायद यही वो खिलाड़ी है। अभी तक तो हैदराबाद एफसी 100% ऑफिशियल घोषणा नहीं किया है, लेकिन इनके साथ ही डील डन हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लग रहा है इस खिलाड़ी के बारे में? क्या हैदराबाद एफसी ने इनको ऑलरेडी साइन कर लिया है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और अपडेट है हैदराबाद एफसी की तरफ से, जो कि एक स्ट्राइकर है, उनके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस खिलाड़ी का नाम है भाई लियो फांडे, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल, एज ए स्ट्राइकर ये भी खेलता है। इससे पहले ए लीग में इन्होंने खेला है सिडनी एफसी के तरफ से, जो कि भाई उनका लास्ट क्लब था, और उसके अलावा इंग्लैंड के बोल्टन वांडर्स, उसके बाद कार्डिफ सिटी, उसके बाद रदरहम यूनाइटेड, उसके बाद रोचरडेल एएफसी, रीडिंग एफसी के तरफ से भी इन्होंने खेला है। तो अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है, उम्र है 33 साल। आप लोग देख सकते हो उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस तो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, और इनके ऊपर भी भाई हैदराबाद एफसी ने अपना नज़र दिया है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन एशियन खिलाड़ी ये नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कस। आपको क्या लग रहा है आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं तो आपको बार बार पूछ रहा हूँ, अपना राय जरूर बताइए हैदराबाद एफसी के इस सिचुएशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कोरो को लेकर। तो भाई कोरो के साथ एफसी गोवा का एक लिंकअप हुआ है, मैंने आपको बताया था कि एफसी गोवा ने एक ऑफर भेजा है, लेकिन कोरो ने कहा है कि जो ऑफर एफसी गोवा की तरफ से मेरे पास आया है वो ऑफर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, उससे बेटर ऑफर मैं डिजर्व करता हूँ मेरे परफॉर्मेंस के अनुसार। और अभी तक उनके पास इंडिया से कोई भी क्लब ने ऑफ़र नहीं भेजा है, लेकिन बाहर देश से उनके पास बहुत सारा ऑफ़र है और अच्छा अच्छा ऑफ़र है, वो उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था। लेकिन आज भाई सुनाई दे रहा है कि मुंबई सिटी एफसी अपना बातचीत शुरू किया है कोरो के साथ। ऑलरेडी 3 एफसी गोवा का खिलाड़ी मुंबई सिटी एफसी में आ चुका है, उनका फॉर्मर हेड कोच भी मुंबई सिटी एफसी में मौजूद है। आपको पता है कि जा रहा है एफसी गोवा से मंदाराव देसाई मुंबई सिटी एफसी में, मथुरा फॉल जा रहा है, जाहो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है, शर्जियो लोभेड़ा तो मौजूद है। तो एफसी गोवा का जो फंड कोटा था भाई, मुझे लग रहा है कि वो पूरा का पूरा ही मुंबई सिटी एफसी में शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए जब इसके बारे में हमें और भी क्लियर तरीके से पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो कोरो के बारे में अभी तक जितना अपडेट था मैंने आपको बता दिया, और कोरो के इसी अपडेट के बाद लग रहा है कि एफसी गोवा के पास अब न्यू स्ट्राइकर आएगा, और उसके ही रिगार्डिंग एक र्यूमर्स है उर्कू वेरा को लेकर। इससे पहले उर्कू वेरा के बारे में मैंने आपको बताया था जब उनका लिंकअप हैदराबाद एफसी के साथ था, लेकिन अब हैदराबाद एफसी दूसरे स्ट्राइकर के ऊपर अपना नज़र दिया है, और एफसी गोवा ने उर्कू वेरा के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि स्पेन से बिलोंग करता है। आपको ऑलरेडी पता है उम्र है 33 साल, 33 ईयर्स ओल्ड, एज स्ट्राइकर खेलता है। इससे पहले सीडी गुएजियलो की तरफ से इन्होंने खेला है सेकंड डिवीजन बी में, उसके बाद ओल्डहैम एथलेटिक, एसडी आइबार, बिलबाओ एथलेटिक और हरक्यूलिस सीएफ की तरफ से भी इन्होंने खेला है। तो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, कोरो के जैसा परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एफसी गोवा के लिए एक अच्छा चॉइस है। और कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा है कि एफसी गोवा एक न्यू टीम तैयार कर रहा है, जहां पर शायद उम्र थोड़ा बहुत मैटर करेगा। तो 33 साल का स्ट्राइकर क्या एफसी गोवा में आएगा? क्या एफसी गोवा इनके ऊपर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है? अभी क्लियर नहीं हो रहा है भाई। चलिए देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, क्या अपडेट आता है एफसी गोवा के न्यू स्ट्राइकर को लेकर। तो आप लोग जरूर जुड़े रहना चैनल से, आपको लगातार अपडेट अब मिलता रहेगा। और इसके बाद भाई नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फॉर्मर एफसी पुणे सिटी और हैदराबाद एफसी के मिडफील्डर मार्को स्टैनकोविच को लेकर। तो शायद 2 दिन पहले ही मार्को स्टैनकोविच ने फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट घोषणा कर दिया है। प्रोफेशनल फुटबॉल में अब वो अपना योगदान नहीं देगा, परफॉर्मेंस नहीं करेगा, यानी कि फुल्ली फुटबॉल से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि भाई ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। आपको पता है 34 साल का है, सेंटर मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन था, एफसी पुणे सिटी के तरफ से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद हैदराबाद एफसी की तरफ से भी अच्छा खेला, मार्सिलोना के साथ इनका जोड़ी बहुत ही तगड़ा था। तो स्टैनकोविच को मेनी थैंक यू इंडिया में आकर खेलने के लिए, अच्छा एंटरटेनमेंट फुटबॉल हमें दिखाने के लिए, और ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए। आप लोग भी थैंक यू, ऑल द बेस्ट कमेंट में
कह दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से। तो भाई केरला ब्लास्टर एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है मार्च सिलोने के ऊपर अकॉर्डिंग टू मार्कस, जो कि एक बहुत ही जाना माना सोर्स है, आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्कस ने बताया है कि केरला ब्लास्टर एफसी ने मार्च सिलोने के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उनके साथ बातचीत शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनको ऑफर नहीं भेजा है, ऑफर तैयार नहीं किया है, वहीं पर ही अटका हुआ है, बातचीत चल रहा है। तो जैसा कि शायद आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही मार्सेलिनो खुद ही इंटरेस्ट दिखाया था केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से खेलने को लेकर, क्योंकि उससे पहले मार्सेलिनो और केरला ब्लास्टर एफसी का एक रूमर्स आया था, उसको ही क्लियर कर रहा था मार्सेलिनो, और उन्होंने बताया था कि केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से अभी तक मुझे अप्रोच नहीं किया गया है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और अगर केरला ब्लास्टर एफसी मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा, क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी का जो फैन बेस है और उनके साथ खेलना, उनके अंडर खेलना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। और उसको ही शायद केरला ब्लास्टर एफसी ने सुन लिया है, जिसके चलते अब केरला ब्लास्टर एफसी ने उनके साथ बातचीत शुरू किया है। चलिए जब इस अपडेट के बारे में और प्रोग्रेशन हमें पता चलेगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।